इस वीडियो में हम जानेंगे परिचय, निर्माण श्रमिक कौन है, श्रमिक कार्ड के लाभ, हिताधिकारी पंजीकरण के लिए पात्रता और हिताधिकारी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। परिचय, असंगठित क्षेत्र के भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के उपाय के उद्देश्य से राज्य में वर्ष 2009 में राज्य नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल गठित किया गया, जिसके द्वारा निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीकरण किया जाता है तथा उनके कल्याण की विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है। निर्माण श्रमिक कौन है? निर्माण श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कुशल, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, सुपरवाइजरी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य वेतन अथवा परिश्रमिक के लिए करता है। श्रमिक कार्ड के लाभ, निर्माण श्रमिक जीवित है भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014, हिताधिकारी पंजीकरण के लिए पात्रता। निर्माण श्रमिक होना चाहिए जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जिसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, पंजीकरण हेतु पात्र है तथा निर्माण श्रमिक द्वारा किसी एक निर्माण कार्य पर ही लगातार 90 दिन कार्य करना आवश्यक नहीं है, अलग अलग कार्यों पर कार्य करने की अवधि की गणना की जा सकती है। हिताधिकारी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज, आयु का प्रमाण पत्र, किसी स्कूल के रिकॉर्ड से जारी किया गया, जन्म पंजीकरण के रिकॉर्ड से जारी किया गया हो, किसी सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि, पासपोर्ट साइज की एक रंगीन फोटो, निर्धारित प्रारूप से नामांकन भरा हुआ फॉर्म, निर्माण श्रमिक होने का नियोजक या ठेकेदार का प्रमाण पत्र। ध्यान रहे, आवेदन शुरू करने से पहले सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार रखें। लेट्स स्टार्ट लाइव। इंटरनेट ब्राउजर पर emitra.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। यहां राइट अपर कॉर्नर में लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के लिए SSO आईडी डालें, पासवर्ड डालें व कैप्चा कोड डालें। लॉगिन पर क्लिक करें। ई मित्र आइकन पर क्लिक करें। लेफ्ट मेन्यू में सर्विसेज पर क्लिक करें। अवेल सर्विस पर क्लिक करें। यूटिलिटी पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग टाइप करें व दिए गए विकल्प में से लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग बेनिफिशियरी का चयन करें। थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाने के लिए ओके दबाकर पुष्टि करें। दिए गए फॉर्म में आवेदनकर्ता द्वारा जरूरी जानकारी दर्ज करें, जैसे आवेदनकर्ता का नाम दर्ज करें, आवेदनकर्ता के पिता का नाम दर्ज करें, आवेदनकर्ता के जेंडर को सुनिश्चित करें, मोबाइल नंबर 10 अंकों का दर्ज करें, वर्तमान पते में शहरी या ग्रामीण का चयन करें, डिस्ट्रिक्ट का चयन करें, ब्लॉक का चयन करें, ग्राम पंचायत का चयन करें व गांव का चयन करें। वर्तमान पते में यदि आवेदनकर्ता का वर्तमान पता स्थायी पते के समान है तो यस पर क्लिक करें। अदर डिटेल में जाति का चयन करें, आवेदनकर्ता की जन्म दिनांक का चयन करें, शिक्षा के स्तर का चयन करें, वैवाहिक स्थिति का चयन करें, आवेदनकर्ता का 12 अंकों का आधार नंबर यहां दर्ज करें,
क्या आवेदनकर्ता बीपीएल या राज्य बीपीएल में शामिल है, हाँ या नहीं का चयन करें। यदि हाँ तो नंबर दर्ज करें। क्या आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थायी निवासी है, हाँ या नहीं का चयन करें। आवेदनकर्ता की भामाशाह संख्या यहाँ दर्ज करें। यहाँ आवेदनकर्ता श्रमिक निर्माण सर्टिफिकेट का ब्यौरा दर्ज करें, जैसे सर्टिफिकेट कहाँ से इश्यू हुआ, नाम दर्ज करें, जेंडर सुनिश्चित करें व एड्रेस दर्ज करें, एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर का आधार नंबर दर्ज करें। आवेदनकर्ता ने पिछले 12 महीने में जहां काम किया है उनका विवरण दर्ज करें, जैसे क्या काम किया है, किस पद पर रहकर काम किया है का चयन करें, कितने दिन काम किया है दर्ज करें, जिसके लिए काम किया है उसका नाम दर्ज करें, जैसे एम्प्लॉयर, काम देने वाले का पता दर्ज करें, काम देने वाले का मोबाइल नंबर दर्ज करें। आवेदनकर्ता अपने परिवार का विवरण दर्ज करें, परिवार के सदस्य का नाम दर्ज करें, सदस्य के साथ रिश्ता दर्ज करें, सदस्य की उम्र दर्ज करें व सदस्य की शिक्षा का चयन करें। आवेदनकर्ता अपने नॉमिनी का विवरण दर्ज करें, जैसे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का पता, नॉमिनी का आवेदनकर्ता के साथ रिश्ता, उम्र व आवेदनकर्ता अपनी रकम का कितना हिस्सा नॉमिनी को देना चाहता है दर्ज करें प्रतिशत में। आवेदनकर्ता यहां अपने दस्तावेज अपलोड करें। डाउनलोड द डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें व चूज फाइल पर क्लिक करके भरा गया फॉर्म अपलोड करें। आवेदनकर्ता अपनी स्कैन फोटो अपलोड करें, आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें, कंस्ट्रक्शन वर्क सर्टिफिकेट या निर्माण श्रमिक प्रमाण अपलोड करें, भामाशाह कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें, अपने लेबर ऑफिस का चयन करें। आवेदनकर्ता के द्वारा दिया गया विवरण सही है तो चेक बॉक्स पर चेक करके पुष्टि करें व सबमिट पर क्लिक करें। आवेदनकर्ता का आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है, यह टोकन नंबर नोट कर लें। आइए श्रमिक कार्ड पंजीकरण की प्रक्रिया दोहराते हैं। emitra.rajasthan.gov.in में जाएं और अकाउंट में प्रवेश करें। डैशबोर्ड से ई मित्रा का चयन करें, अवेल एप्लीकेशन में यूटिलिटी का चयन करें, सर्च बॉक्स में लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग दर्ज करें। यहाँ लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग बेनिफिशियरी सर्विस को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करने पर यह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। आवेदन फॉर्म में आवेदनकर्ता की जानकारी दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करें।